baby, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't shy, girl, go bonanza. Hey, girl, shake your body like a belly dancer. Make it one. Do you have any idea what you're starting? Got me tingling, come to me mingling, stepping up, looking delicious and tingling. देख, मुझे नहीं लगता कि तुझे इन फिजूल बातें के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये थोड़ी ना कोई मूवी चल रहा है कि कोई तेरे वजह से एक लड़की की जान ले लेगा। मैं तो कहूँगी तो इन सारे मैसेजों को इग्नोर कर, अब बाकी तेरा मर्जी। इतने दिनों से इग्नोर करती आ रही हो, ठीक है, आगे भी इग्नोर करती रहूँगी। एंड आई थिंक तुझे अब घर चले जाना चाहिए, बाद में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तू सही बोल रही है, मुझे अब जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर देना। हम क्या अंदर आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। इसके बाद सुगा जिमिना को लेकर रूम पे एंटर करता है। तुम्हें क्या कोई काम है? हाँ, एक्चुअली जिमिना जेनी को कुछ कहना चाहती है। अब पता नहीं ये लड़की क्या बोलेगी मुझे, ऐसे ही तो मुझे देख नहीं पाती है। जिमिना जाओ, जेनी दीदी को बोलो सॉरी दी आपके साथ ऐसे बदतमीज की तरह बात करने के लिए। सिर्फ भैया की वजह से मैंने तुम्हें सॉरी बोला। जस्ट मेरा 18 years तो कंप्लीट होने दो, तुम्हें मैं वीक के आसपास भी नहीं आने दूंगी। जैसे देख रही है, लग तो रही है मुझे आंखों से ही खा लेगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चुड़ैल की मुझे कह रही इट्स ओके, मेरा बस चलता तो तुम्हें मैं ऐसे गायब कर देती। आई थिंक भी मुझे जाना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, तुझे अब जाना चाहिए, अपना ख्याल रखना और घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल कर देना। मेरे जाने के टाइम तो तुम कभी भी ऐसे नहीं बोलते हो। सच में तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हो। लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हें मुझे ऐसे बोलने में और मुझे प्यार करने में मजबूर कर दूंगी। मैं भी जिमिना हूँ, हार नहीं मानूंगी, तुम्हें अपना बना ही लूंगी। इसके बाद जेनी घर जाने के लिए निकल जाती है। देखो बहुत रात हो गया है, अब मुझे भी घर जाना पड़ेगा, तो आप ना अपना ख्याल अच्छे से रखना। हाँ ठीक है, और तुम भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद सुगा ही जिमिना को घर पहुंचा देने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जेके तो वहाँ पर नहीं था। जेनी जब हॉस्टल से बाहर आ रही थी तब कोई उसके साथ टक्कर खा के उसके ऊपर गिर जाता है। मुझसे ही मुझको जगा कर दिया। इसके बाद वो पर्सन जेनी के साथ कोई भी बात ना करके सीधा उठ के जाने लगता है। हे यू, तुम्हें क्या तमीज नहीं है? किसी को गिरा देने के बाद उसे उठाना भी चाहिए। उठाना तो दूर, तुमने मुझे सॉरी भी नहीं कहा। ये सुनने के बाद वो लड़का जेनी के पास आकर खड़ा होता है। बदतमीज कहीं का, तुमने मुझे गिरा दिया। अंधे हो क्या, देख के मैं नहीं चल सकता? स्टूपिड कहीं का। जेनी की इन सारी बातों को सुन के वो पर्सन जेनी को हेल्प करे बिना ही चला जाता है। हे यू, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे उठाए बिना। लेकिन वो पर्सन जेनी की बात को टोटली इग्नोर करके चला जाता है। कितना घमंडी है, आई विश कि इसे कभी ना गर्लफ्रेंड मिले और गर्लफ्रेंड रहेगा कि छोड़ के चला जाए। इसके बाद से ही जंगकुक टे के साथ और फाइट भी नहीं करता है और बात भी नहीं करता है, लेकिन टे को वो हेल्प करता रहता है। एक्चुअली वो टे को ऐसे हेल्प करते करते ही टे का दिल जीतना चाहता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हॉस्टल में आने के बाद से ही इन दोनों का रिश्ता कितना स्वीट था। इस वजह से ही जंगकुक इन दोनों के रिश्ते को ठीक ठाक करने के लिए ही ऐसा कर रहा था। कभी क्लास में टे का नोटबुक पहुंचा देना, कभी रास्ते में टे को पानी से बचाना, ऐसे ही छोटा छोटा मदद वो करता रहता था। जंगकुक का ऐसे बदल जाने से टे को थोड़ा सा शौक तो लगता ही है, लेकिन उसे ये अच्छा भी लगता है क्योंकि जंगकुक टे का केयर भी करता था। एंड हम तो जानते ही है कि वो भी जंगकुक के लिए थोड़ा सा फीलिंग रखती है। ऐसे ही देखते देखते 1 वीक बीत जाते हैं और इन दोनों का रिश्ता पहले से बहुत अच्छा हो जाता है। जंगकुक ने अभी भी टे को प्रपोज नहीं किया है और अदर साइड ते भी जंगकुक को प्यार करने लगी है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से वो कह नहीं पाई है। ते बाथरूम जाने के लिए बाथरूम के डोर पे हाथ देती है और उसी वक्त जंगकुक भी बात लेके बाहर आ रहा था। ते को पता नहीं था कि जंगकुक बात लेने के लिए गया है और अदर साइड जंगकुक को भी नहीं पता था कि ते इस वक्त बाथरूम पे आएगी। इस वजह से डोर ओपन करने के बाद वो ते को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और पानी से स्लिप होके ते के ऊपर गिर जाता है। ये मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? अभी मैं टेकल इस पे टच कर देता तो बाद में उसे मैं क्या जवाब देता, लेकिन टेकल लिप्स रेड चेरी के जैसा लग रहा है जिसका टेस्ट लेने के लिए मैं पागल हो जा रहा हूँ। कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल यू सिर्फ, तो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। एक्सक्यूज मी, प्लीज तुम मेरे ऊपर से हट जाओ। हाँ। जंगकुक लेट नाइट हॉस्टल आया था और ते सो गई थी। वो बहुत थक गया था और उसे पानी पीने का मन करता है। इसी वजह से वो पानी के बोतल ढूंढने लगता है और तभी उसकी आंखें ते पर पड़ता है। वाव, इस वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल पर्सन, तुम किसी परी से कम नहीं होते। थोड़ा सा और वेट कर लो प्रिंसेस, मैं तुम्हें मेरा दिल का बात कहने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जंगकुक ते के और भी पास जाके उसे घूरने लगता है। तुम्हारा जूसी लिप्स मुझे फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। सोते हुए तुम सच में बहुत बेटी लग रहे हो। सॉरी बेबी गर्ल, अब मैं इस लिप्स के टेस्ट लिए बिना नहीं रह सकता हूँ। कुछ देर बाद ते निनुई मूव करने लगती है। इस वजह से जंगकुक ते को छोड़ देता है। रियली बेबी गर्ल, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है एंड सॉरी कि मैंने तुम्हारे परमिशन के बिना ही तुम्हें किस कर दिया। ऐसे ही दिन ब दिन जंगकुक भी ते के लिए क्रेजी हो रहा था और सुगा की तरह ही बहुत ज़्यादा कुछ करने से खुद को कंट्रोल करे जा रहा था। अदर साइड जिमिना फिर से अपनी स्टडी में बिजी हो जाती है। आफ्टर ऑल बोर्ड एग्जाम है, इस वजह से उसका प्रेशर पहले से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं। लाइक हफ्ते में एक दिन संडे पे जिमिना का कोई भी ट्यूशन नहीं रहता है, सिर्फ एक म्यूजिक का क्लास रहता है। नामजिन ने ये डिसीजन इस वजह से लिया है ताकि जिमिना उसके लाइफ को भी एंजॉय कर पाए। अकॉर्डिंग टू नामजिन, स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ बुक्स के बाहर की दुनिया को भी एंजॉय करना जरूरी है। इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और पढ़ाई भी अच्छा होता है। हाँ हेलो, बोल क्या बात है? ताया, मुझे घूमने जाना है, तो जल्दी से घर पे आ जा और मुझे लेके घूमने चल। बट जिमिना, आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बहाना मेरा, तो प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तुझे और किसी दिन घुमाने के लिए ले जाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही जाना है। बस नहीं हो सकता है, मुझे ये सारी बातें नहीं सुनना है, मुझे आज जाना है, मतलब जाना है। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सुगा को बोल देता हूँ, वही तुझे घुमाने के लिए ले जाएगा। सुगा भैया क्यों, तू ही चलना। पर हो तुम, अब जल्दी से आ भी जाओ। और कितना वेट कराओगे मुझे? ऐसे ही मैं तुम्हें मेरे लाइफ में लाने के लिए वेट कर रहा हूँ और तुम मुझे घुमाने ले जाने के लिए भी वेट करा रहे हो। जल्दी से आ भी जाओ मेरे प्रिंसेस। चलो। इसके बाद सुगा जिमिना को लेके घूमने के लिए निकल जाता है। हाँ बोल। सुन, मैं एक बड़ा प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। प्लीज तू XYZ लोकेशन में चला। क्या हुआ है? क्या बात है? तू ठीक था ना? हाँ मैं अभी तक ठीक हूँ, लेकिन तू प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जा। मैं तुझे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ, तू ज्यादा फिक्र मत कर। वाव, ये तो बहुत ही अमेजिंग जगह है। इस वक्त यहाँ पर आने के बाद मेरा सारा स्ट्रेस चला गया। लेकिन चेनी ने मुझे क्यों बुलाया? ओ कौन सा मुसीबत पे है? और वो अब कहाँ पर है? तभी कोई पीछे से आके ते की आंखों को ब्लाइंडफोल्ड कर देता है। हे यू, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे ब्लाइंडफोल्ड करने का? और मेरी फ्रेंड चेनी कहाँ पर है? लेकिन वो पर्सन कि कोई आंसर ना देके उसे उस हालत में ही एक जगह पर ले जाने लगता है और वहाँ पर ले जाने के बाद वो ते का ब्लैंकफोल्ड हटा देता है। और ब्लैंकफोल्ड हटने के बाद ते जो देख पाती है, वाव ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये तो कोई कैंडललाइट डिनर जैसा लग रहा है। इसके बाद ते जब ही पीछे टर्न होती है ये देखने के लिए कि कौन उसे यहाँ पर लाया है, तभी वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पीछे ही जंगकुक एक दिन के साथ बैठा था। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? ते विल यू मैरी मी? जंगकुक मैं तो तुम्हें और झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं है ते, मैं सब सच जानता हूँ। लेकिन कैसे? वो तो मैं बाद में बोल रहा हूँ, अब तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अब बोलो भी ते, और कितना वेट कराओगे मुझे? यस आई विल। कैन आई? Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities. Thank you ते, मेरा प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वाव ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें ये पसंद आया? बहुत ज़्यादा। öfkeli